हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं आपकी दुआओं से बहुत अच्छी हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेरे ब्लॉग को प्यार दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपने जैसे देखा ही होगा, बाहर का मौसम इतना ख़तरनाक हो रखा है ना कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो रखा है। आज नवी स्कूल जा रखा है, उसकी छुट्टी का टाइम होने वाला है, लेकिन उसके पापा उसको लेके आएंगे क्योंकि स्कूटी में तो हम पूरे भीग जाएंगे। और सुबह भी उसके पापा ही उसको लेके गए थे गाड़ी से, तो अब वो लोग गाड़ी से ही आ जाएंगे। और बाहर ना बहुत ज़्यादा बेकार हालत हो रखी यार, मेरे कपड़े पूरे के पूरे गीले हैं। मैंने, आपको यकीन नहीं मानोगे, मैंने ना सोफों में अपने कपड़े फैला रखे ड्रेन करके, क्योंकि ना दो तीन दिन से लगातार बारिश हो रही है और कपड़े सूख नहीं रहे हैं, तो ना गीले कपड़ों में से हल्की सी महक आ जाती है ना, थोड़ी अजीब सी। तो इसलिए मैंने सारे सोफ़ों में जो भी मुझे जगह खाली दिख रही है उसमें मैंने कपड़े फैला दिए हैं। और ये सबसे ज़्यादा परेशान तो बारिश मेरा मैक्स होता है, क्योंकि इसको है बाहर रहने की आदत और बारिश हो रही है ये बाहर नहीं जा पा रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि इसके बाल हैं बहुत ज़्यादा लंबे, तो अगर ये थोड़ा सा ही बारिश में जाता है ना तो ये पूरा भीग के आ जाता है। और अभी देखना है, मैं सब मस्ती कर रहा है, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये कर रहा है मस्ती यहाँ पर। ओ मैचू, हेलो कर दो, हेलो गाइस, नहीं करना है, मस्ती कर रहे हो। तो यहाँ पे ये इंजॉय कर रहा है नीचे, क्योंकि बारिश में तो कोई काम नहीं। ब्रेड मैंने इसको खिलाई दिए, इसको ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये ब्रेड खा के बैठा हुआ है। और मैंने दाल वगैरह बना दी है, चने उड़द की दाल मैंने आज बनाई है, क्योंकि हस्बैंड लंच में आएंगे, नवी को लेके आएंगे। वैसे तो आते नहीं है, मना कर देते हैं कि ऑफिस की कैंटीन से कुछ खा लूँगा, लेकिन अभी नवी को लेके आना है तो उन्हें आना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। और दाल मैंने बना दी है, बस मुझे राइस बनाने हैं। दिन में हम मोस्टली दाल चावल ही खाते हैं, सुबह शाम हम रोटी और सब्जी खाते हैं, सुबह हम दाल चावल नहीं खाते। कभी कभी कुछ दाल वगैरह अच्छी बन जाती है तो बच जाती है, तो वही हम रात को खा लेते हैं, और वरना हम रात को रोटी सब्जी ही बनाते हैं और दिन में दाल चावल। तो ये हमारा रूटीन खाने का, वो मैंने आपको बता ही दिया है। और अब चलते हैं राइस बना लेते हैं, टाइम हो चुका है हस्बैंड के आने का और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, देखते हैं कैसे आएँगे। तो चलिए हम अब राइस बना लेते हैं। क्या रहे नवी? खाने लड्डू लो, खाने। गाइस यहाँ पर है ये ब्रेड का पैकेट, और आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये ब्रेड का पैकेट क्यों दिखा रही हूँ। तो ब्रेड दिखाने का मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है इस प्राणी को दिखाने का, जो कि ब्रेड का और बंद का बहुत ज़्यादा शौकीन है। ये देखिए, इतना ज़्यादा दीवाना है ना ये। क्या चाहिए? ब्रेड चाहिए, ब्रेड। पहले सिट, सिट डाउन, तभी दूंगी मैं, नहीं दूंगी। सिट मैक्सू, सिट सिट, नहीं होगा ना मैं दूंगी नहीं। डाउन, ये देखो मैक्स सिट। ओ माय गॉड, क्या हुआ? मम्मा वीडियो बादे बनाना, पहले दे दो, ये बोलना चाह रहा है वो। रुको देती हूँ उसे। हाँ मैक्स सिट डाउन, मैं दूंगी नहीं जब तक बैठोगे नहीं। ये इससे नहीं चलेगा काम, इससे बिल्कुल नहीं चलेगा काम, आपको बैठना पड़ेगा वो। तब तक बैठो, मैं दूंगी नहीं, बैठो। ये क्या है? बैठो भाई बैठो, उसकी निगाहें ना सिर्फ ब्रेड पे ही है। ओहो, ये प्राणी बैठ चुका है और ये इंजॉय कर रहा है ब्रेड, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है ब्रेड। ये लीजिए, खा लो बेटा, बारिश में आप ब्रेड का इंजॉय लो, मजे लो ब्रेड के। गाइस ये करीब 4 बजे का टाइम होगा, नवी को मैंने सुला दिया था और मैं बैठी हुई थी, तो मुझे कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैंने देखा तो और तो मुझे कुछ मिला नहीं, आम ही मिला था फ्रिज में रखा हुआ, तो मैं एक आम लेके आ गई थी। ये हम लेके आए थे मैंगो शेक के लिए, लेकिन जब से हम ये आम लेके आए ना, उस दिन से बारिश ही लगातार हो रही है, रुकी नहीं रही है, तो ये आम का मैंगो शेक भी नहीं बन पाया, क्योंकि ये ठंडे थे और फ्रिज के थे, तो हस्बैंड ने ही मना कर दिया था कि नहीं मैंगो शेक अभी नहीं पीना है, क्योंकि
बारिश बहुत ज़्यादा है और ना गला ख़राब हो जाता है उनका, तो ये ऐसे ही रखे थे। मुझे लगा चलो मैं ही खा लेती हूँ इनको, और मैंने एक गलती कर दी कि मैंने ना ये बिल्कुल फ्रिज से निकाल के ठंडा ठंडा खा लिया, और ये ना काफ़ी ज़्यादा पक भी गए हैं क्योंकि ना ये फ्रिज में रखे हुए हैं, यूज़ नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने यहाँ पे ले लिए हैं आम और इनको कर दिया है कट छोटे छोटे से, थोड़े बड़े ही पीस हैं, इनको छोटा भी नहीं कहेंगे, थोड़े बड़े ही पीस हैं ये। और मैं कर रही हूँ यहाँ पर आम इंजॉय, फालतू बैठने से अच्छा है कि कुछ खुरापात कर ली जाए, तो मैं यहाँ पर आम खा रही हूँ। और ये बहुत अच्छा था, खट्टा मीठा हो रहा था ये, और बहुत अच्छा टेस्ट हो रहा था इसका आम का। शाम के 5:30 का टाइम था और ये देखिए बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रखा था। गाइज मेरी शाम की पूजा भी हो चुकी है और यहाँ पे हमारी शेरवाली माता बैठी है और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। मैंने इनको चूड़ियाँ पहनाई हैं, बिंदी लगाई है, माता को हार पहनाया है, तो ये हमारी माता है और ये हमारा घर का मंदिर है। आप लोग जो मेरे व्लॉग डेली देखते हैं उनको तो पता ही होगा कि ये मेरा मंदिर है। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए है कि ये हमारा घर में छोटा सा मंदिर है माता रानी का। ये देखिए मैंने ऐसी इस तरह से अपने मंदिर की सजावट की हुई है, यहाँ पर ये सब पूजा का सामान रखा हुआ है, ऑयल वगैरह, ये मोरपंख से सजाया हुआ है मंदिर। ये देखिए, ये देखिए हनुमान जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, साईं बाबा सब हमने बैठा रखे हैं। और ये माला हस्बैंड जी लेके आए थे केदारनाथ जी से, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें चिपक नहीं रही थी ना, तो मैंने टेप लगा के इसमें चिपका दिया, क्योंकि वैसे चिपक नहीं पा रही थी, तो फिर ये बड़े बड़े टेपिंग्स करके चिपकाया है। और ये है मेरे घर का मंदिर, तो मंदिर मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं चलती हूँ डिनर बना लेती हूँ, पूजा मेरी हो गई है, तो देखते हैं डिनर में क्या बना है। हस्बैंड को हमेशा मुझसे बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि तुम पनीर नहीं बनाती हो, तो उनकी शिकायत दूर करने के लिए और उनको खुश करने के लिए मैं लेके आ गई थी पनीर। अब मैं यहाँ पर पनीर के पीसेस कर रही हूँ छोटे छोटे, ये 250 ग्राम पनीर है, इतना हम लोगों को हो जाता है, 3 मेंबर खाने वाले हैं तो हमें पूरा हो जाता है इतना पनीर। थोड़ा सा पनीर मैंने बचा दिया था नवी के पराठे के लिए, उसको सुबह में दे दूंगी पनीर का पराठा बना के टिफ़िन में। तो छोटे छोटे मैंने यहाँ पे पीस कर लिए, ज़्यादा छोटे भी नहीं किए हैं और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं किए हैं। आज मैं थोड़ा हटके पनीर बना रही हूँ, जैसे मैं बनाती थी वैसा नहीं बना रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर दही में थोड़ा सा नमक, मिर्च और धनिया पाउडर और गर्म मसाला डाल के इसको आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया था सरसों का तेल। हम लोग सरसों के तेल से ही खाना बनाते हैं, रिफाइंड यूज़ नहीं करते हैं, पूरी पराठे में ही हम रिफाइंड यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने डाल दिया था यहाँ पर जीरा, जीरा डालने के बाद मैंने थोड़ी सी हींग भी डाल दी थी, क्योंकि हींग पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, खाना डाइजेस्ट करती है। और आजकल तो मौसम ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है बारिशों का, तो अपना ख्याल तो हमें रखना ही पड़ेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 प्याज की ग्रेवी बना ली थी, इसको मैंने मिक्सी में मिक्स कर दिया था। मिक्सी में करने के बाद इसको हम यहाँ पर कढ़ाई में डाल देंगे। ये 4 प्याज है मीडियम साइज़ के, ज़्यादा बड़े ये प्याज नहीं है, इनको अच्छे से हमें भूनना है, बिल्कुल ब्राउन कर देना। ये देखिए अच्छे से मैंने यहाँ पर प्याज भून दिए हैं। प्याज भूनने के बाद यहाँ पर मैंने यहाँ 3 टमाटर की भी ग्रेवी बना ली थी मिक्सी में चलाने के बाद। और ये देखिए टमाटर ना रेड नहीं थे, तो इनका कलर अच्छा नहीं आया। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है रिफाइंड ऑयल और यहाँ पे हम अपने पनीर को फ्राई कर लेंगे। जो हमने ये पनीर रेस्ट करने के लिए रखा था आधे घंटे के लिए, इनको हम कर लेंगे फ्राई। ये देखिए कितना अच्छे से फ्राई हो रहा है। और मैंने अपनी ग्रेवी भी तैयार कर ली थी उधर पनीर के लिए, इसमें मैंने बेसिक मसाले डाले थे और इसको पानी डाल के 10 मिनट के लिए रख दिया था गैस पे। और ये देखिए हमारी पनीर की सब्ज़ी बनके हो चुकी है रेडी, बहुत ही बढ़िया लग रही है सब्ज़ी। और मैं और हस्बैंड बैठ गए थे डिनर करने के लिए। डिनर करने के बाद हस्बैंड को बारिश में खाने का मन था मैगी, तो हमने रात 11 बजे मैगी भी बना ली थी। उसके बाद मेरा सर थोड़ा दर्द हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे मेडिसिन भी ले ली थी सर दर्द की। ये है मेरा आलू का पराठा, ये देखिए, एंड ये चाय, और ये मैंने बनाई थी चटनी, मुझे चटनी खाने का मन कर रहा था कल, साथ में थोड़ी है अरबी की सब्ज़ी। तो अब करते हैं पराठा इंजॉय, पराठे के साथ ना मुझे चटनी बहुत अच्छी लगती है।
आलू का पराठा ऑल टाइम फेवरेट होता है मेरा। पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी अपने नाश्ते के बर्तन साफ करने के लिए। नाश्ते के बर्तन में हैंड टू हैंड साफ़ कर देती हूँ। मुझे ना सिंक में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते बर्तन रखे हुए। अगर दो तीन बर्तन होते हैं ना तो मैं उनको ही वॉश करती रहती हूँ। इससे ना बहुत अच्छा सा लगता है। किचन में आओ ना तो गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं लगती। और रात में थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने ना आपने देखा ही था कि ठंडा ठंडा फ्रिज का आम खा लिया था निकाल के एकदम से, तो वो नहीं खाना चाहिए। आप लोग भी ऐसा मत कीजिए वरना आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। मेरी भी रात थोड़ी तबीयत बिगड़ चुकी थी, फिर मैंने दवाई वगैरह खाई तो थोड़ा सा आराम मिला। थोड़ा सा उसको निकाल के 5-10 मिनट बाहर पानी में डाल के रख दीजिए, उससे ना उसकी थोड़ा ठंडक निकल जाती है। तो हस्बैंड से मुझे बहुत डांट पड़ी कि इतना ठंडा ठंडा आम क्यों खा लिया। उससे ना मेरा गला भी दर्द होने लग गया था, क्योंकि वो ना खट्टा, थोड़ा खट्टा आम था, क्योंकि वो मैंगो शेक का था तो वो ज़्यादा मीठा नहीं था। दशहरी होते हैं ना तो वो मीठे होते हैं, उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। वो थोड़ा ज़्यादा खट्टा था तो उससे मुझे हो गई थी प्रॉब्लम। बर्तन वॉश करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर छोले बनाने के लिए। तो इसकी रेसिपी आपको कल वाले व्लॉग में देखने के लिए मिलेगी पूरी रेसिपी। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में फ्रेंड्स, बाय।